गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिटन पोर्शन। सभी रेडी हैं? वेरी गुड। चलिए, आज हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स। मैथ्स हमें किस कॉपी में करना है ये हम देखेंगे। यह आपकी राइटिंग कॉपी है, स्टार्टअप मैथ्स वर्कबुक। नंबर्स हमें लिखना है 1 to 100। क्लियर है सभी को? अब यहाँ पे एक ही साथ तो हमें लिखना नहीं है, 1 to 100 नहीं लिखना है ना, तो 1 by 1 हम देखते हैं आज हमें कौन सा पेज कंप्लीट करना है। ओके, डेली आपको 1-1 पेज राइटिंग पोर्शन दिया जाएगा और आपको वही कंप्लीट करना है। और उसे कंप्लीट करने से पहले आपको क्या करना है, डेली ये वर्क आपको डेली करना है। क्या वर्क करना है? नंबर्स 1 to 100 रीडिंग। देखिए यहाँ दिखा है आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह यहाँ 11 से काउंटिंग की हुई है। 11 से लेके देखिए कहाँ तक दिया हुआ है, 100 तक है। 100 तक काउंटिंग, ये 100 तक काउंटिंग आपको डेली डेली रिवाइज करना है। ओके, वेरी गुड। चलिए अब देखें आज का रिटन पोर्शन क्या है। आज का रिटन वर्क है हमारे पास 1। क्या राइट करना है आज हमें? 1। वेरी गुड। सभी मेरे साथ लाउडली बोलेंगे भी, जैसे जैसे हम राइट करेंगे वैसे ही वैसे हमें भी बोल बोल कर राइट करना है। क्लियर है सभी को? चलिए, सबसे पहले हमने जब पेज ओपन किया तो यहाँ देखिए सी डब्ल्यू और एच डब्ल्यू लिखा है। सी डब्ल्यू आप कहाँ करते थे? क्लास में। और एच डब्ल्यू आप कहाँ करते थे? घर पर। क्योंकि सी डब्ल्यू मीन्स क्लास वर्क और एच डब्ल्यू मीन्स होमवर्क। बट अभी तो स्कूल ओपन नहीं हुए, तो आपको सी डब्ल्यू और एच डब्ल्यू दोनों आपको सेल्फ करना है, और वो भी घर पर। ठीक है ना, स्टार्ट करें हम। चलिए सबसे पहले मैं आपको सी डब्ल्यू बताती हूँ कैसे करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पेज के यहाँ पे ऊपर कॉर्नर पे सी डब्ल्यू लिखना है, सी डॉट डब्ल्यू डॉट। क्लियर है? सभी लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे सी डब्ल्यू। ठीक, और आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे सी डब्ल्यू पे टिक करें, और जब एच डब्ल्यू के पेज पर हम लिखेंगे तो हम एच डब्ल्यू पे टिक करेंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ लिखा है 1, इसके साथ ही लिखा है 1 की स्पेलिंग, ओ एन ई 1। क्लियर है? ओ एन ई 1 आपको स्पेलिंग भी लर्न करना है। ओ एन ई 1, ओ एन ई 1। ओके, चलिए राइटिंग स्टार्ट करते हैं हम। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ से यहाँ तक लिखा है 1, 1, 1, 1, 1। अब नेक्स्ट लाइन में कुछ डॉट्स बने, दिख रहे हैं आपको डॉट्स? ये देखिए यहाँ पे डॉट, इस डॉट से आपको धीरे धीरे चलना है और आना है 1। बन गया? इसी तरह आपको सेकेंड डॉट में भी कंप्लीट करना है, डॉट से बाहर नहीं जाना है। ठीक है, सीधे सीधे डॉट बनाना है, 1, 1, 1, 1, 1। इस डॉट से आपको इस डॉट, लास्ट डॉट दिख रहा है आपको जो, इस डॉट तक आना है। इसी तरह देखिए आगे, यहाँ तो 4 लाइन में कुछ डॉट्स बने थे तो आपने इजीली कर लिया, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ कोई डॉट नहीं बना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट दिया हुआ है, इस सेंटर पॉइंट से नीचे सेंटर आपको ऑटोमेटिक खुद बनाना है। ठीक है, आपको सेल्फ यहाँ पे 1 राइट करना है, इसी डॉट के सेंटर से 1, 1, 1। क्लियर है? इसी तरह आपको राइटिंग करना है। आज का आपका राइटिंग वर्क है ओनली 1। यहाँ आपने सी डब्ल्यू किया, सेकेंड पेज पर आप देखिए सामने फ्रंट पेज पर यहाँ भी 1 लिखा है। ये कौन सा वर्क है आपका? एच डब्ल्यू। आप यहाँ पे एच डब्ल्यू पे टिक करें और यहाँ पे लिखें एच डॉट डब्ल्यू डॉट। ये स्टूडेंट को सेल्फ लिखना है ताकि धीरे धीरे वो अपनी कॉपी में जब उसे राइटिंग करने का दिया जाए तो वो ट्रेंड हो कि हमें कहाँ सी डब्ल्यू लिखना है और कहाँ एच डब्ल्यू। ओके बेटा, थैंक यू, कल फिर मिलेंगे, बाय, सी यू।